तो कैसी है बच्चा पार्टी बच्चों? जैसे कि हम लोग कोशिका के बारे में जान रहे थे, तो बच्चों आज है कोशिका का लेक्चर नंबर 3। आई नो बच्चों, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बच्चों, आपको थोड़ा सा ज्यादा चैप्टर इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम जानेंगे कि हमने जो कोशिका के बारे में पढ़ा था, कोशिका के बारे में जाना था कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका को किस किस भाग में बांटा गया था, कोशिका की खोज किसने की, हमने सब कुछ जाना था। और लेक्चर नंबर 2 में बच्चों मैंने आपको केंद्रक के बारे में बताया। बच्चों मैंने लेक्चर नंबर 2 में पूरे में केंद्रक के बारे में समझाया बच्चों, पता है क्यों? क्योंकि केंद्रक हमारी कोशिका का सबसे अहम हिस्सा होता है बच्चों, क्योंकि अगर केंद्रक नहीं होगा कोशिका के अंदर तो कोशिका का बनना ही अस्तित्व होगा ही नहीं। इसलिए हमने पूरा एक लेक्चर दिया उस केंद्रक को समझने के लिए। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, ऐसे ही क्या होते हैं कोशिका के पास भी उसके अंग होते हैं, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ये जो कोशिकांग होते हैं ये भी कोशिका की मदद करते हैं अलग अलग काम को कराने के लिए, अलग अलग क्रियाओं को कराने के लिए। तो बच्चों आज हम सबसे पहले जानेंगे सूत्र कणिका के बारे में। ये जो सूत्र कणिका होती है बच्चों, ये सूत्र कणिका हमारी कोशिका को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान कराने का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा बन रही है, हमने जो भी खाना खाया उस खाने से बनने वाली जो भी ऊर्जा होती है, उसको बनाने के लिए जो भी हमारी कोशिकांग काम करते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा बच्चों हम पढ़ेंगे आज राइबोसोम के बारे में। ये जो राइबोसोम होते हैं, हम अक्सर ऐसा सुना करते हैं कि हमें खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेने चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा डाइट में क्या करना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, ये सब हम अक्सर सुना करते हैं बच्चों। हम प्रोटीन को बनाने के लिए जो कोशिकाएं यूज होती हैं, कोशिकांग यूज होते हैं, उन्हीं को कहते हैं बच्चों राइबोसोम। ये जो प्रोटीन होते हैं ये कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम राइबोसोम के बारे में जानेंगे कि राइबोसोम होता कहाँ है। तीसरी चीज बच्चों आज हम जानेंगे गोल्जी काय के बारे में। ये जो गोल्जी काय है बच्चों, ये कुछ और नहीं है बल्कि आप ऐसे जान लीजिए कि आप एक मिठाई वाले की दुकान पर गए, ठीक है, आप मिठाई वाले की दुकान पर जाकर के आपने कोई भी मिठाई पसंद कर ली। मान लो किसी को सोन पापड़ी बहुत पसंद होती है, किसी को छेने बहुत पसंद होते हैं, आपने जाकर के वो चीज पसंद कर ली और आपने दुकान वाले से कहा कि बेटा भाई 1 किलो इसे पैक कर दो, तो वो जो दुकान वाला उस मिठाई को जिस डिब्बे के अंदर रख करके आपको देगा बच्चों, उस डिब्बे को उस पैकेजिंग का काम कराने का काम कौन करता है, हमारा गोल्जी एपरेटस उस काम को करता है कि जितनी भी प्रोटीन बन रही है, हम तो प्रोटीन को मान ही नहीं रहे। प्रोटीन तो चलो बाद में जानेंगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं कि राइबोसोम ने जो भी कुछ बनाया है, राइबोसोम ने जो भी बना के तैयार किया है, उसकी कवरिंग उसको तैयार कौन करेगा, गोल्जी एपरेटस उसको तैयार करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम जानेंगे अंतद्रव्यी जालिका के बारे में। ये जो अंतद्रव्यी जालिका है, ये बच्चों अपने नाम से ही बता रही है कि ये जो है केंद्रक के बिल्कुल चिपकी हुई जो परत होती है, जो कोशिकांग होती हैं, वो कहलाती है अंतद्रव्यी जालिका। ये जो अंतद्रव्यी जालिका होती है बच्चों, ये 2 तरीके की होती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से तरीके की होती है और इनको क्यों ऐसा कहा गया। पहली होती है बेटा रुद्री और दूसरी होती है चिकनी अंतकालिका, अंतद्रव्यी जालिका। ये जो अंतद्रव्यी जालिका है ये 2 तरीके की पाई गई। किस किस तरीके की? एक तो रुद्री पाई गई और दूसरी चिकनी पाई गई। हम आगे समझेंगे कि किन बेसिस पे इनको हमने बांटा। चौथी चीज बच्चों और आखिरी आज के लेक्चर में जो हम समझेंगे वो है हमारी कोशिका झिल्ली। मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इसके माध्यम पर हमने क्या किया था, कोशिकाओं को विभाजन किया था, 2 हिस्सों में बांटा था, अलग अलग तरीके की कोशिकाएं मैंने बताई थी कि इस कोशिका झिल्ली के होने से और ना होने से हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग तरीके की हो जाती है बच्चों। तो हम जानेंगे कि ये कोशिका झिल्ली आखिर क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी कोशिका के लिए, इससे क्या क्या बनते हैं या किन किन चीजों में ये पाई जाती है और किसमें ये नहीं पाई जाती है। तो बच्चों ये एक क्विक रिकैप था कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज मेरी बच्चा पार्टी पढ़ने वाली क्या है। ठीक है, तो आपको ये स्लाइड देख करके आज थोड़ा सा तो रिलैक्स फील हो रहा होगा कि हाँ चलो चैप्टर का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों
शुरुआत करते हैं कोशिकणिका से। तो बच्चों कोशिकणिका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोशिकणिका हमारी कोशिका का वो भाग होता है, वो कोशिकांग होता है जिसमें क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। हमने बच्चों जो भी कुछ खाया या जो भी कुछ हमने काम किया उस सभी के लिए हमको क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। हमारा शरीर बिना ऊर्जा के तो चल नहीं सकता। आप एग्जाम्पल लीजिए, मान लो आपने सुबह सुबह दौड़ना शुरू किया, आपने दौड़ना शुरू किया, दौड़े 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 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद बच्चों आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, पसीना आ रहा है और हम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। वो जो थकान होती है बच्चों, वो जो हम लोग अपने आप को इतना डल फील करते हैं, वो किसी और वजह से नहीं बल्कि हमारी कोशिकाओं में से वो जो ऊर्जा होती है वो खत्म होती जाती है धीरे धीरे या कम होती जाती है। जब वो ऊर्जा कम होने लगती है बच्चों तो हमारा शरीर अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगता है, हम ज्यादा से ज्यादा काम नहीं कर सकते। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो भी कह देती हैं कि ना 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 ना, अब हमसे और ज्यादा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो भैया जैसे खाने की आदत है वैसे हमें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप के अंदर ऊर्जा बनाने के लिए या हम और कोशिकाओं से काम करवाने के लिए। तो बच्चों ये जो सूत्र कणिकाएं होती हैं ये उसका जिम्मा उठाती हैं और कहती हैं कि तुम जो भी खा रहे हो, जो भी कुछ खाओगे, मैं उससे क्या करूंगी, अपने मतलब की चीजों को निकाल लूंगी और उनको तोड़ मरोड़ करके क्या बना दूंगी, ऊर्जा बना दूंगी। बच्चों आप लोग ये जानते होंगे, आपने अक्सर सुना भी होगा कि हमारा जो शरीर है वो ATP की भाषा को जानता है। हम लोग जो भी काम करते हैं, खाते हैं, उठते बैठते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, बल्कि कहूं कि हमारा जो शरीर है ये कोई भी काम बिना पैसों के नहीं करता। और वो जो पैसे हैं वो क्या है, वो ATP है, वो ऊर्जा है जिसके बिना हमारे शरीर की कोई भी कोशिका कोई भी काम नहीं करती। तो उसे बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, सूत्र कणिका में होती है। अब बच्चों सूत्र कणिका से जुड़ी मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ, बहुत ही जरूरी बातें जो आपके एग्जाम में भी पूछी जाएंगी और इनको आपको ध्यान में भी रखना है। सबसे पहली बातें, ये जो सीरीज है इसमें मैं आपको मेन पॉइंट बताने वाली हूँ बच्चों, जिनको आपको ध्यान में रखना है और उसी से सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात कि ये जो हमारी सूत्र कणिकाएं होती हैं बच्चों, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। डबल मेम्ब्रेन मतलब द्विवय संरचना से बनी हुई होती हैं। दो लेयर पाई जाती हैं, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे बच्चों, सबसे बाहर वाली जो परत होती है, जो झिल्ली होती है, उसे हम बाहरी झिल्ली कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर वाली पाई जाती है बच्चों इनर मेम्ब्रेन, या जिसे हम आंतरिक झिल्ली कहते हैं। ये जो आंतरिक झिल्ली होती है बच्चों, ये कहीं कहीं पर क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है और एक नई क्या बनाती है, संरचना बनाती है, जिसको हम बेटा क्रिस्टे कहते हैं। ये जो क्रिस्टे होते हैं इनका भी एक बहुत ही अहम रोल होता है। ये जो सूत्र कणिका में ये जो क्रिस्टे बनती है, ये क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा जगह को बनाती है, ज्यादा से ज्यादा चीज ताकि एब्जॉर्ब हो सके। मान लो हमने खाना खाया, हमने आज बर्गर भी खाया, पिज्जा भी खाया, हमने रोटियां भी खाई, ये भी खाया, वो भी खाया, सब कुछ खाया। ये हमारा काम क्या है, खाना पीना सोना, तीन ही तो काम है हमारे, खाएंगे पिएंगे और सोएंगे। तो हमने जो कुछ भी खाया तो हमारा शरीर बेटा हमारा बहुत होशियार होता है। हमारा शरीर हम जानता है कि ये तो नालायक इंसान है, ये खाएगा पिएगा और सो जाएगा। तो उस खाने को पचाना भी है, उससे जरूरी चीजें लेनी भी है और खराब चीजों को बाहर निकालना भी है। हमारा शरीर ये बखूबी जानता है कि हमें ये सब काम खुद ही करने हैं, ये कुछ नहीं करेगा। तो ये जो क्रिस्टी होती है बच्चों हमारी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्र कणिका के अंदर, ये क्या करती है, उस जगह को बढ़ाने का काम करती है। जैसे मान लो ये एक कमरा है, मैं जहाँ खड़ी हूँ वो एक कमरा है, यहाँ पे मुझे किसी चीज को क्या करना है, इकट्ठा करना है। मान लो मेरे पास बहुत सारे डिब्बे हैं या फिर मान लो सोना है बहुत सारा, मेरे पास इतना सारा सोना किसी ने दे दिया है, पता नहीं कौन दे के चला गया है, लेकिन किसी ने तो मुझे बहुत सारा सोना दे दिया है और मुझे कहा गया है कि तुम एक कमरे में ही क्या कर सकती हो, इसको रख सकती हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसी कुछ ना कुछ चीजें बनाना चाहूंगी ताकि थोड़ी सी जगह क्या हो जाए और खिसक जाए। तो मैं क्या कहूंगी, खिसक 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 दीवारों को क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगी ताकि जगह ज्यादा से ज्यादा बन जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा सोने को उसके अंदर
रख सकूं। वही काम ये सूत्र कणिकाओं में क्रिस्टी भी करती हैं कि ये क्या करती हैं, अच्छा तो ऊर्जा बना रहे हो, तो ऊर्जा बनाने के लिए मैं एक काम कर देती हूँ, मैं तुम्हारी जगह को और बढ़ा देती हूँ। तो ये क्या करती हैं, उस सरफेस एरिया को बच्चों बढ़ा देती हैं जहां पर ओटीपी क्या होते हैं, बन रहे होते हैं, सिंथेसिस हो रही होती है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, ये जो आप अच्छी तरीके से लिखा हुआ देख रहे हैं, ऑक्सीजोम, राइबोसोम ना समझ लेना इन्हें, ऑक्सीजोम जो होते हैं बच्चों, अगर कहा जाए कि वास्तव में अगर ये जो ऊर्जा बन रही है तो ये सूत्र कणिका के अंदर जहां पर वास्तव में ये जो हमारी ऊर्जा बन रही होती है वो इन ऑक्सीजोम के अंदर ही बन रही होती है। ये जो ऑक्सीजोम है ये वो संरचनाएं हैं जहां पर एटीपी का सिंथेसिस होता है, जहां पर एटीपी बनाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और उसके बाद बच्चों हमारी इस माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका में कुछ एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। फ्लूइड से बच्चों आप इतना जान लीजिए कि जिस भी चीज में गति होती है, बह रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कह देते हैं। जैसे हमारा ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये अलग अलग फ्लूइड है। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चों, में सूत्र कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहूंगी तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैम की हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपसे भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहूंगी, ठीक है, तो आप समझ लेना। उसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और एक खाली जगह में होता है। मान लो जैसे ये कमरा है, इस कमरे में आप जहां पे बैठे हुए हैं वो एक कमरा है। मान लो आपने अपनी चेयर को उठा करके एकदम सेंटर में रख लिया, बीचों बीच रख लिया उस कमरे के, तो आसपास बच्चों क्या है, खाली जगह पड़ी हुई है उस कमरे में, और कुछ तो है नहीं। तो वो जो खाली जगह है वो कहलाता है उस कोशिका का क्या, मैट्रिक्स। खाली जगह में भरा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक्चुअल में बच्चों ये जो मैट्रिक्स होता है ये वो हिस्सा होता है हमारे सूत्र कणिका का, माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां पे हमारी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं। कौन सी रिएक्शन बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन। कोई भी डरेगा नहीं कि मैम ने ये कौन सा भारी भरकम सा शब्द लिख दिया है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, भाई बहुत भारी भरकम शब्द है। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेटाबॉलिक रिएक्शन वो सभी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें हमारा शरीर या तो कुछ बना रहा होता है या फिर कुछ तोड़ रहा होता है। अब आप ऐसे जान लीजिए कि आपने जो भोजन खाया, दोपहर का खाना सब लोगों ने खाया, खाया, रात का खाना सबने खाया, खाया, नालायको सही से खाना खाया करो, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा मन लगेगा पढ़ाई में, तो अच्छे से खाना खाया करो, ठीक है। अब हमने क्या किया, खाना खाया, हमने खाना खाया तो बच्चों हमने बहुत सारी चीजें खाई, हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी खाए हैं, हमने उसमें प्रोटीन्स भी खाए हैं, फैट भी खाए हैं, विटामिन मिनरल सब कुछ खाया है, हमने बहुत सारी चीजें खाई हैं। अब क्या हमारा शरीर उन सभी चीजों को उस ही रूप में स्वीकार कर लेता है, नहीं करता बच्चों। क्यों नहीं करता, क्योंकि इनमें से कुछ तो केमिकल, कुछ तो रसायन के साइज जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ के बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कुछ तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और कुछ हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो ये जो चीजों को हमने खाया, जो खाना हमने खाया, उसे तोड़ तोड़ कर हमारा शरीर जब ग्लूकोज बना लेता है, सॉरी बच्चों, जब तोड़ तोड़ के हमारा शरीर उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, तो वो कहलाते हैं बेटा हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जिसमें हमने किसी चीज को खंडित कर दिया और छोटे छोटे भागों में बांट दिया, वो कहलाएंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब उन्हीं सभी छोटे छोटे खंडों को अगर हमने जोड़ करके एक बड़ी चीज बना दी तो वो कहलाएंगी बेटा हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, अब से कोई नहीं डरेगा इनसे, ये वही रिएक्शन है जिनमें कुछ तो टूट रहा है, मतलब कैटाबॉलिक, काटने जैसा नहीं दिख रहा, तो मतलब ब्रेक होने का काम हो रहा है इसमें, ब्रेकिंग सब्सटेंसेस। तो ये पदार्थ को क्या कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है। और दूसरा हो गया बेटा एनाबॉलिक रिएक्शंस, ये एनाबॉलिक। अब एक अगर ब्रेकडाउन है तो मैंने कहा दूसरे में हम कुछ बनाते हैं, मतलब इसमें क्या है, समेशन। हाँ, सब्सटेंस। बच्चों इंग्लिश में लिख रही हूं, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। कैटाबॉलिक रिएक्शन वो प्रक्रियाएं
जिसमें हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, और एनाबॉलिक वो रिएक्शन जिनमें हम उन टूटी हुई चीजों से जोड़ करके कुछ बना रहे हैं। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है बच्चों, ये हमारे सूत्र कणिका का वो अहम हिस्सा होता है जहां पर ये हमारे शरीर की सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है। क्योंकि हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में हर वक्त हर सेकंड बच्चों, आप सोचो हमारा शरीर, हम अगर बैठे भी हुए हैं ना, तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी कोशिकाएं शांति से बैठी हों। हमारी कोशिकाओं के अंदर हर सेकंड में ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये चलती रहती हैं। हमारी कोशिका कभी शांत नहीं बैठती, ठीक। और फिर बच्चों इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जैसे कि मैंने बताया बच्चों कि हमारे शरीर को अक्सर कहते हैं, आपने ऐसा सुना होगा लोगों को, कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन की जरूरत है, अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लो। तो बेटा जो प्रोटीन है वो बन कहाँ रहा है वास्तव में? हमारे राइबोसोम की मदद से वो प्रोटीन बनाया जाता है, जो कि 70S का है। बच्चों एक बात बताओ, क्या आपके दिमाग में ये चीज नहीं आती कि ये मैम आप जो भी कुछ लिख देते हो इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे ही लिख देते हो बस मजे मजे में कि 70S आपने लिख दिया, इस 70S का मतलब क्या है? तो बच्चों मैं समझाती हूँ, एक एक करके जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जाना बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी ऐसा कोशिकांग है जहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बच्चों आज मैंने सारा कुछ आपके लिए स्लाइड्स पहले से तैयार कर दी हैं, ताकि मेरे बच्चों को, मेरी बच्चा पार्टी को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इसमें अपना समय ना बिताना पड़े। आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चों, आप एज इट इज इसको याद कर लेना, आपको हर एक वो पॉइंट मिल जाएगा जो आपके सवालों में पूछा गया होगा या आपके लिए जरूरी है। आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़िए, इतना ही सफिशियंट है, बहुत है। पढ़ते हैं बच्चों कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे हम सूत्र कणिका बोलते हैं, तो बच्चों मैंने बताया यहाँ पे ऊर्जा बनती है। तो सूत्र कणिका का प्रमुख कार्य क्या हो गया बच्चों? कोशिका के सभी हिस्सों में क्या प्रदान कराना? ऊर्जा प्रदान कराना बच्चों, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कोशिकांग का सबसे अहम कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य क्या है, कि हमारी कोशिका, जितनी भी कोशिकाएं हैं हमारे पूरे शरीर में, उन हर कोशिका के हिस्से में ऊर्जा प्रदान कराना। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है बच्चों, सूत्र का कणिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर स्टार मार्क कर लेंगे कि इसको जो कोशिकांग होती, जो सूत्र कणिका है, उसको हमारी कोशिकाओं का क्या कहा जाता है बेटा? पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा है वो यहीं पर बन रही है, इसी के बेसिस पे हम इसको कह देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तीसरी बात बेटा, प्रत्येक कोशिका में जो सूत्र कणिका होता है उसकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं अलग अलग तरीके की, मैंने आपको कोशिकाएं बताई थी कि कुछ कोशिकाएं इस तरीके की होती, कुछ कोशिकाएं इस तरीके की होती हैं, आप आगे आने वाले और भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, इनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बांटा हुआ है कि कौन सी कोशिकाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क में काम करेंगी, कौन सी कोशिकाएं हैं जो हमारी पाचन क्रिया में काम करेंगी, वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो हमारे श्वसन में हमारी मदद करेंगी। तो हमने इन कोशिकाओं को बच्चों बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से क्या किया हुआ है, बांटा हुआ है। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि हर एक कोशिका में अलग अलग क्या होता है बेटा, अलग अलग जो सूत्र कणिका होती है उसकी संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लेंगे। पहली बात हो गई कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनको पावर प्रोवाइड कराने का काम कौन करते हैं? हमारे सूत्र कणिका करती है। दूसरी बात, इसी के आधार पर उनको हम कोशिकाओं का पावर हाउस कह देते हैं। और तीसरी बात बच्चों क्या हो गई कि ये जो सूत्र कणिकाएं होती हैं इनकी संख्या हर एक कोशिका में अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद बच्चों हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सूत्र कणिका है, आखिर सबसे पहले इनकी खोज की किसने? तो बच्चों याद करेंगे, ऑल्टमैन ही वो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन सूत्र कणिकाओं को खोज निकाला कि आखिर हमारे अंदर कोशिका है तो कोशिकाओं में जो ऊर्जा बन रही है, हमारा शरीर जो प्रक्रियाएं कर रहा है उसके लिए हमें ताकत चाहिए होती है। अब जैसे बच्चों मैं बोल रही हूँ, इतनी देर से बोल रही हूँ,
ठीक है, आप लोग तो सुन रहे हैं तो आराम से बैठ के सुनो। मैं जब बोल रही हूं तो मुझे कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी, अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या करनी पड़ रही होगी, वेस्ट वेस्ट नहीं बच्चों, कुछ ना कुछ ऊर्जा मुझे प्रदान करनी पड़ रही होगी बोलने के लिए। ठीक है, तो आप जो भी काम करते हैं, आप शायद लिख रहे होंगे तो लिखने के लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए, आप शायद ध्यान से इधर पढ़ रहे होंगे तो ध्यान से पढ़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। ठीक, तो उन सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कौन प्रदान करा रहा है, हमारे सूत्र कणिका। और उसकी खोज किसने की थी बच्चों, अल्टमैन ने की थी 1886 में। कब की थी, 1886 में, 1880 86 में। मैम की हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो 1886 में उन्होंने खोज की थी, किसकी, सूत्र कणिका की, अल्टमैन ने। सूत्र कणिका की परिभाषा अगर बच्चों अगर लिखने को आ जाए तो आप इतना लिख देंगे तो ये बहुत होगा, और आपके जो टीचर्स हैं वो ये जान जाएंगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, पढ़ा है, कि सभी सजीव पादप अथवा प्राणी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य। बच्चों कोशिका द्रव्य मैंने आपको पहले भी बताया था, साइटो प्लाज्म। बेटा वो जगह होती है जहां पर क्या होता है, हमारी सब एक जो रिएक्शंस हो रही होती है, ठीक है, हमारे पूरे सेल की अगर मैं रिएक्शंस बोलूं या कुछ भी आदान प्रदान होता है हमारी कोशिका के अंदर, तो वो किस जगह पे होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली, मैंने आपको पहले भी मार्क करवाया था, डबल मेम्ब्रेन है तो आप ये चीज स्टार मार्क कर लेंगे, दोहरी झिल्ली अबंध कोशिकांगों को सूत्र कणिका कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ आ गया सूत्र कणिका किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों इसके आगे अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। ये जो राइबोसोम होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया कि आप अक्सर ऐसा सुनते हैं कि प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, तो बच्चों मैं उस प्रोटीन की आपको विशेषता बताती हूँ कि ऐसा क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि प्रोटीन जरूरी है हमारे शरीर के लिए। क्योंकि बच्चों हमने ये ठाना कि हम जिम जाएंगे, आप में से कई बच्चे जाते होंगे जिम, तो जब हम जिम जाते हैं या फिर एथलीट जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो क्या होती है बच्चों, क्रैक हो जाती है, उनमें क्या पड़ जाती है, क्रैक पड़ जाते हैं। तो वो जो मांसपेशियां हमारी टूटी हैं या फिर जिम के टाइम पर जो हमने क्या किया है उनके अंदर जो बदलाव आए हैं या फिर वो जो अलग हुए हैं उनके हिस्से, उनको वापस से जोड़ने के लिए, उन मांसपेशियों को पहले जैसा बनाने के लिए जो चीज काम आती है या फिर जो सब्सटेंस हमें यूज में आता है उसे हम कहते हैं बेटा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, वो जो हमारी मसल्स होती हैं जो ब्रेक हो गई होती हैं उनको वापस से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और वो जो प्रोटीन है वो बन कहाँ रहे होते हैं बेटा, तो वो राइबोसोम की हेल्प से बन रहे होते हैं। राइबोसोम हमारा वो कोशिकांग है जो उस प्रोटीन के सिंथेसिस में, उस प्रोटीन को बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब इनकी खोज किसने की थी, तो सबसे पहले बच्चों एक नाम आता है जॉर्ज पेलेड, जो कि आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है, और इसको स्टार मार्क करेंगे बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी आपका ग्रंथ है, उसने जो कुछ भी कह दिया है, सही गलत अच्छा बुरा जैसा भी कह दिया है, आपको वो स्वीकारना होगा। ठीक, तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जॉर्ज पेलेड वो साइंटिस्ट थे, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी किसकी बेटा, राइबोसोम की। ये जो राइबोसोम होते हैं बच्चों, ये सजीव कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण सक्षण सक्षम कण होते हैं, मतलब कि ये वो हमारे कोशिकांग हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा जरूरी है, तो बच्चों राइबोसोम तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गए। तो आप जानिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये जो राइबोसोम होते हैं बच्चों, ये दो तरीके के होते हैं, पहले 70S के राइबोसोम और दूसरे को कहा जाता है बेटा 80S के राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होते हैं ये दो हिस्सों में बट गए, जैसे कि कोशिकाएं दो हिस्सों में बटी हुई होती हैं, एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती है बच्चों हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक मतलब
नई नई बनी हुई, जिनमें केंद्रक बहुत ही नए तरीके का होता है, उसके ऊपर कोशिकीय झिल्ली देखने को नहीं मिलती, उनके अंदर पाए जाते हैं बच्चों 70S के राइबोसोम। और जो दूसरी होती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, वो जो जिनके अंदर केंद्रक पूरी रूप से बन चुका होता है और उसके ऊपर क्या होती है बेटा, केंद्र की झिल्ली पाई जाती है, वो कहलाते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनके अंदर 80S का राइबोसोम पाया जाता है। ये बेटा 80, 70S और कुछ नहीं है, बल्कि आप साइज में समझ लीजिए, ये जो 70S है, अगर वो नई तरीके की कोशिकाओं में पाया जा रहा है जिनके अंदर केंद्रक बहुत ज्यादा अच्छे से बना नहीं है, तो उन्हें कम की जरूरत है, हम कम से काम चला लेंगे, मतलब 70 से काम चला लेंगे। और दूसरे जिनके अंदर केंद्रक बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, तो उनको तो ज्यादा की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बना सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बड़े वाले को लेते हैं, 80S राइबोसोम को लेते हैं। तो पढ़ेंगे बेटा, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब मैंने अभी बताया कि प्रोटीन अगर बननी होती है तो वो कहाँ बनेगी बेटा, राइबोसोम की हेल्प से बनेगी। उसके बाद पढ़ेंगे यह अनुवांशिक पदार्थ की श्रृंखला के संकेतों कि प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ये क्या काम करते हैं बेटा, आपने जैसे सेंट्रल डोगमा पढ़ा होगा, ठीक है, सेंट्रल डोगमा में क्या होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए बनाता है किसको, प्रोटीन को। तो आरएनए के अंदर प्रोटीन बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे मान लो बेटा डीएनए है, हम सभी के अंदर हमारा डीएनए होता है, ठीक, डीएनए बनाता है आरएनए को, और आरएनए बनाता है बेटा किसको, प्रोटीन को। तो जब आरएनए से प्रोटीन बना, तो ये इसने क्या किया कि उस श्रृंखला के किसको, प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित कर दिया, किस श्रृंखला को, अनुवांशिक पदार्थ की श्रृंखला को, मतलब उस आरएनए को। और यहाँ पे बेटा याद रखेंगे कि यहाँ पे कौन सा आरएनए यूज हो रहा है, एमआरएनए यूज होता है, कौन सा आरएनए, एमआरएनए। आरएनए हमारे तीन तरीके के होते हैं, एमआरएनए मैसेंजर राइबोसोम, राइबोन्यूक्लिक एसिड, टीआरएनए ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरआरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये तीन तरीके के हमारे आरएनए पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन आरएनए को कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, किसमें, प्रोटीन में परिवर्तित करवा देते हैं, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद बच्चों, यह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी अंतद्रव्यी जालिका होती है, ये दो तरीके की होती है, अभी अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले। तो ये जो अंतद्रव्यी जालिका होती है, ये मैंने कहा था कि रुद्री होती है और चिकनी होती है। तो आइए बच्चों मैं बताती हूँ क्यों रुद्री दिखती है और क्यों चिकनी दिखती है, कि जिन भी जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं वो तो रुद्री दिखाई देती है। अब आप ऐसे जानिए, आपके पास एक बहुत ही मैदा की कोई एक परत रखी हुई है, बहुत ही चिकनी, मम्मी ने अच्छी तरीके से उस पर क्या लगा दिया है, रिफाइंड लगा दिया या डालडा लगा दिया है। अब हमने वो जो रिफाइंड लगा करके जब हमने मैदा की लोई को रख दिया है, तो वो बहुत चिकनी दिखाई देती है, देती है कि नहीं। अब जब उस चिकनी लोई के ऊपर जब आप सूखी मैदा डालते हो, तो कैसी दिखती है, वो रुद्री दिखाई देती है, कुछ तो ऊबड़ खाबड़ से दिखाई देती है। सेम वैसी ही चीज यहाँ पर होती है कि जब अंतद्रव्यी जालिका के ऊपर राइबोसोम आकर के चिपक जाते हैं, तो वो रुद्री दिखाई देती है, और जिन पर नहीं चिपकते वो चिकनी दिखाई देती है। तो यही चीज बेटा यहाँ पे लिखी हुई है। इसके आगे हम जानेंगे कि यह सूत्र कणिका, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था बेटा, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। मतलब ये जो हमारे राइबोसोम होते हैं, अच्छे से एक पॉइंट को जानेंगे, राइबोसोम जो हमारे होते हैं, ये दोनों ही तरीके की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे तो वो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हों, चाहे वो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हों। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ तो 70S की होते हैं राइबोसोम, और कुछ राइबोसोम 80S के होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं वो 70S के होते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं वो 80S के राइबोसोम होते हैं।
बेटा यहाँ पे आप इन चीजों को, इन डिजिट को देख करके कंफ्यूज मत होना या फिर सोचना मत, ये कुछ और नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्रिमिटिव टाइप में पाए जाएंगे तो छोटे वाले पाए जाएंगे, और जब एडवांस वाले में पाए जाएंगे तो बड़े वाले पाए जाएंगे। और इनके भी विभाजन हो जाते हैं दो हिस्सों में। अगर 70s हैं तो वो दो हिस्सों में बटेगा किस किस में, एक तो 50 में और एक 30 में। तो एक तो हिस्सा उसका हो गया बेटा 50 वाला, और दूसरा हो गया उसका 30 वाला। 70 वाला दो हिस्सों में बट गया, एक तो 50 में और एक 30 में। ये जो एस एस लिखा हुआ आप लोग देख रहे हैं, 70s, 30s, 50s, ये एस कुछ और नहीं है बेटा, इसे हम कहते हैं स्वेड वर्ग। स्वेड वर्ग, BERG, स्वेड वर्ग। ये स्वेड वर्ग कुछ और नहीं बेटा, एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने अपने नाम पर ही बोल दिया कि इसको हम क्या कहेंगे, स्वेड वर्ग यूनिट कहेंगे। स्वेड वर्ग यूनिट इन्होंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये जो स्वेड वर्ग इकाई है, ये स्वेड वर्ग नाम की एक वैज्ञानिक ने खोजी थी, और इन्होंने देखा कि ये जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो अलग तरीके के दिख रहे हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग तरीके के दिख रहे हैं। तो इन्होंने बोला भाई ये क्या गड़बड़ चल रही है, ये तो कुछ और ही चल रहा है। तो इन्होंने देखा कि जब हम राइबोसोम को डाल के घुमाते हैं कोशिका के अंदर, जब ये राइबोसोम घूमते हैं तो उनके बीच में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है उसके मेजरमेंट को कहा जाता है बेटा स्वेडबर्ग कांस्टेंट। स्वेडबर्ग मतलब इन राइबोसोम के घूमने की, मतलब चक्कर लगाने की जो तेजी होती, गति होती है, उसको मापने के लिए जिस भी इकाई का हम यूज करते हैं बेटा उसको स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। समझ आया? राइबोसोम के घूमने की गति को मापने के लिए जिस भी इकाई को हम यूज करते हैं उसे स्वेडबर्ग इकाई कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। ये स्वेडबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने अपने नाम पर इसको अपने नाम पर रख दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी होता है बेटा, यह इकाई है जिसकी सहायता से राइबोसोम की दोनों इकाइयों के घूमने की तेजी मापी जा सकती है। दोनों इकाइयों मतलब जैसे ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, मान लो ये 70s प्रोकैरियोटिक कोशिका की हम बात कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की। आप सभी जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के ऊपर केंद्र की झिल्ली देखने को नहीं मिलती। ये कैसे होते हैं, नए नए तरीके की कोशिकाएं होती हैं, नई नई बनी है अभी। तो मान लो हम अभी इन सब की बात नहीं कर रहे, सबको भूल जाओ, आप सिर्फ इस पे ध्यान दो, इतने से डिब्बे पे ध्यान दो कि ये जो दिख रहा है मैम ने कुछ तो बड़ा वाला हिस्सा बनाया है और कुछ छोटा हिस्सा बनाया है। मान लो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूँ तो बेटा वो कैसे कहलाएंगे, 70s के मैंने अभी अभी बताया था छोटी वाली यूनिट को कौन ले लेता है, प्रोकैरियोटिक ले लेते हैं। ये जो 70s है बेटा ये दो हिस्सों में टूट जाता है, एक तो 50s में 50s की यूनिट बन जाती है और दूसरी 30s 30s की यूनिट बन जाती है। ये यूनिट कुछ और नहीं है बल्कि बेटा यही राइबोसोम के दो हिस्से हैं। बड़ा वाला है तो बड़े वाले को हमने 50s कह दिया, 50s वाले का कमरा है ये, और छोटा वाला है तो छोटे वाले को 30s कह दिया, मतलब 30s वाले का कमरा है। ये कुछ और नहीं है, ये राइबोसोम के दो कमरे हैं, बड़े भाई ने बड़ा वाला ले लिया और छोटे भाई को छोटा वाला मिला, ठीक है। इसके आगे समझेंगे बच्चों, हमने पढ़ा सूत्रकणिका किसे कहते हैं, हमने जाना राइबोसोम किसे कहते हैं, राइबोसोम में क्या होता है, किसने इसकी खोज की। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे तीसरे हमारे कोशिकांग के बारे में जिसका नाम होता है गोल्जी की। ये जो गोल्जी काय होता है बेटा, इस गोल्जी काय में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया, उस सभी प्रोटीन को बना लिया। अब हमने प्रोटीन बना लिया तो प्रोटीन की पैकेजिंग भी कहीं पर होगी, मतलब उस प्रोटीन को तैयार भी कहीं पे किया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, आप एक मिठाई वाले की दुकान पे गए, आपको मिठाई पसंद आई और आपने कहा कि अंकल इसको 1 किलो तौल दो, 1 किलो आपने तुलवाई तो वो किसी ना किसी डिब्बे में तो आपको रख के देगा, हाथ में तो दे नहीं देगा।
तो वही काम होता है कि राइबोसोम ने जो प्रोटीन बना दिए हैं तो उनकी कवरिंग, उनकी पैकेजिंग, अब उनको इकट्ठा एक डिब्बे में कौन करेगा बेटा, उसका काम करते हैं ये गॉल्जी एपरेटस। मतलब यहाँ पे पैकेजिंग का काम होता है, किसका काम होता है बेटा, उनको पैक करने का काम होता है प्रोटीन को। तो इसकी जो गॉल्जी काय है, गॉल्जी काय की खोज किसने की थी बेटा, जॉर्ज नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की, और उसके बाद इनको नाम दिया था, एक साइंटिस्ट है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लेना, आपकी एनसीईआरटी में ये दिया गया है और बहुत बार पूछा भी गया है कि जो गॉल्जी काय है, जो हमारी गॉल्जी एपरेटस है, उसकी खोज, उसको नाम किसने दिया, कैमिलियो गॉल्जी। कैमिलियो गॉल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही नाम पर इसको नाम दे दिया था, किसको, गॉल्जी एपरेटस को। तो ये याद रखेंगे, दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने अलग अलग लिख दिया है बच्चों। खोज की थी जॉर्ज ने, कब की थी, 1867 में, 1867 में। बच्चों मुझे हिंदी में नहीं बोलना आता तो मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, आप समझ लेना। 1867 में जॉर्ज नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन गॉल्जी बॉडीज को, गॉल्जी कोशिकांग को क्या किया था, खोजा था, ठीक है, उन्होंने पता लगाया था। लेकिन इसका नामकरण किसने किया, बच्चा पैदा तो हो गया, अब उसका नामकरण होगा, तो नामकरण किसने किया बेटा, नामकरण किया था हमारे कैमिलियो गॉल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 से 1899 के बीच में इन्होंने बहुत सोचा कि मैं इसको क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इन्होंने कहा ये रिश्ता कहलाता है, मैं अपने नाम पर ही नाम दे देता हूं, गॉल्जी एपरेटस कहलाता है, गॉल्जी काय कहलाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए बच्चों कि इन्होंने किसके अंदर खोज की थी, जॉर्ज ने सबसे पहले यह गॉल्जी काय कहाँ देखा था, किसमें देखा था, तो मैंने इतना बड़ा उल्लू बनाया हुआ है, तो आप याद रखेंगे इस उल्लू से कि बॉर्न आउल में इन्होंने इसकी खोज की थी, कहाँ देखा था, बॉर्न आउल, श्वेत उल्लुओं में देखा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए, प्रश्न आए, कोई छोड़कर नहीं आएगा, लिख कर आएंगे, श्वेत उल्लुओं में उन्होंने इसकी खोज की थी, कि शरीर की कोशिकाओं में इसका पता लगाया। अब बेटा ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, गॉल्जिकाएं हैं, गॉल्जिकाएं तीन तरीके से बटी हुई होती हैं, या तो वो थैली नुमा होंगी, थैली जैसी बनी हुई होंगी, या तो वो छोटी होंगी, या फिर वो बड़ी बड़ी होंगी। अगर ये थैली नुमा से मिलके बनी है, दिखने में थैली नुमा है, तो उनको हम कहेंगे बेटा सिस्टर्नी, क्या कहेंगे, सिस्टर्नी गॉल्जी एपरेटस। अगर वो छोटी छोटी हिस्सों से मिलकर के बनी हुई है तो उनको कहेंगे बेटा हम वेसिकल्स, और अगर ये बड़े बड़े हिस्सों से मिलकर के बनी हुई है तो उन्हें वैक्यूल्स कहेंगे। वैक्यूल तो आप बेटा वैसे भी समझ लीजिए जो खाली स्थान होता है, बड़ा सा खाली स्थान कहलाता है वैक्यूल, जहां पे सेल कोशिका क्या करती है, कोशिका के पास, बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पादप होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो चलते फिरते नहीं है, उठते बैठते नहीं है, घूमते फिरते नहीं है, तो उनके अंदर जो ऊर्जा बनी है, उनके अंदर जो भोजन है, वो ज्यादा तो यूज में आ नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे, उस खाने को, उस एनर्जी को क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते जाते हैं, मतलब एक स्टोर बना लेते हैं अपने अंदर, और वो स्टोर क्या कहलाता है बेटा, वैक्यूल कहलाता है, मतलब खाली स्थान होता है जहां पर वो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो वो कहलाता है वैक्यूल। अगर ये हमारी गॉल्जी काय कैसी है बेटा, थैली जैसी दिख रही है, थैली जैसी दिख रही है, तो कहलाएंगी हमारे सिस्टर्नी। अगर ये छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं तो कहलाएंगे हमारी वेसिकल्स, और अगर ये बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं तो बेटा कहलाएंगे वैक्यूल्स। तीन तरीके की हो गई। इनका काम बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, खोज किसने की और किसने इसको नाम दिया, ये सभी बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, इनको लिख लेना और अच्छे तरीके से याद कर लेना, इन्हीं के ऊपर आपके सवाल पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो गॉल्जी काय में क्या क्या लिखोगे बेटा आप, कि जो गॉल्जी काय का मुख्य कार्य होता क्या है, मैंने अभी बताया था पैकेजिंग का काम होता है।
गोल्जी का प्रमुख कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक। मतलब राइबोसोम ने इनको बना दिया, इन्होंने पैक कर दिया, अब इनको ले जाने का काम कोई करेगा। तो ले जाने का काम कौन कर रहा है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बन गए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंत द्रव्यी कोशिका के ऊपर, मैंने बताया था जब राइबोसोम चिपके होते हैं तो उन्हें रुद्री जालिका कहते हैं, और जिन पर नहीं चिपके होते उन्हें चिकनी जालिका कहते हैं। तो इन्होंने बना करके तैयार कर दिया, गोल्जी ने उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब ये क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक, इंटर सेलुलर स्पेस में इनको डाल दिया जाता है कि लो भाई हमने प्रोटीन बना दिया, पैक कर दिया और इनको डाल दे रहे हैं। अब तुम अपने हिसाब से यूज कर लेना कि तुम्हारा कौन सा हिस्सा टूटा है, फूटा है, जैसा भी है, और इनको उस हिसाब से यूज कर लेना। तो मतलब एक गाड़ी तक पहुंचाने का काम किसने कर दिया? गोल्जी काय ने कर दिया। अंत द्रव्य जालिका जो अभी मैंने बताई थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मैंने बताया प्रोटीन का संश्लेषण कौन कराता है? राइबोसोम कराता है। बेटा ये जो हमारी अंतर द्रव्य जालिका होती है, जब दो भागों में बटी, रुद्री में और चिकनी में, तो ये अपने काम पर भी बटी कि रुद्री वाली के पास अगर राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बनवा रहा है, तो अब चिकनी भी तो कुछ करेंगी, तो चिकनी बेटा लिपिड्स बनवाती है। क्या बनवाती है? लिपिड बनवाने का काम करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है, जो कि गोल्जी काय के ट्रांस वाले हिस्से में। बेटा गोल्जी काय के दो हिस्से हो गए। अगर मैं गोल्जी काय का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। मान लो एक हो गया इसका सिस वाला हिस्सा और दूसरा हो गया इसका ट्रांस वाला हिस्सा। सिस जो हो गया ये कॉन्वेक्स नाम का होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि दो तरीके के लेंस पाए जाते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और दूसरे कॉनकेव लेंस होते हैं। तो ये जो सिस वाला हिस्सा होता है बेटा, ये कॉन्वेक्स होता है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा होता है। आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो बेटा ये दो हिस्से होते हैं, ये डालती किसमें है? सिस वाले हिस्से में डालती है, सिस वाले हिस्से से ट्रांसफर हो जाता है ट्रांस वाले में, और ट्रांस वाले से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो गोल्जी कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं, क्या होते हैं? इनको मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया सिस वाले हिस्से में किसने डाल दिया? अंत द्रव्य जालिका ने बना करके प्रोटीन को उस हिस्से में डाल दिया, गोल्जी अपरेटस के सिस वाले हिस्से में डाल दिया। ऐसे जानो जैसे पूरा घर है, पूरा घर है, उसके कुछ कुछ कमरे हैं। मान लो ये वाला कमरा है और आपके बगल वाला एक कमरा है। अगर मान लो उस वाले कमरे में कोई चीज बनाई जा रही है, मान लो हम लड्डू बना रहे हैं, उस वाले कमरे में लड्डू बन रहे हैं, तो अब लड्डू को ला करके रखने का काम, स्टोरेज का काम कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। और जब हमें वहां पे पत्तल में परोसने होंगे, जब हमें किसी को खिलाने होंगे वो लड्डू, तो हम इस वाले कमरे से निकाल करके कहाँ ले जाएंगे? बाहर ले जाएंगे परोसने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही क्या होता है, प्रोटीन होती है कि एक जगह पर बन गए, एक कमरे में प्रोटीन बन गई, दूसरे में उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, डिब्बों में बना दिया गया, और उसके बाद उन्हें बाहर भेज दिया गया। तो जिस वाले हिस्से ने उस प्रोटीन को लिया वो कहलाता है सिस वाला भाग, और जिन्होंने बाहर भेज दिया वो कहलाता है बेटा ट्रांस वाला भाग। टाटा बाय बाय, ट्रांस से याद रखेंगे, टाटा बाय बाय। वो प्रोटीन को क्या कहता है? अब तुम जाओ, ठीक। तो ये हो गया बेटा गोल्जी काय ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं। मतलब इनमें क्या क्या बन रहे हैं? एक तो ग्लाइको प्रोटीन बन रही है, जो कि प्रोटीन बनाने का काम किसने किया था? हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया था, रुद्री अंतर्द्रव्यिक जालिकाओं ने किया था। और कुछ बनते हैं बेटा ग्लाइकोलिपिड। मैंने बताया था कि रुद्री अगर प्रोटीन बना रही हैं तो चिकनी वाली क्या बनाएंगी? लिपिड्स बनवाती हैं। तो ये कौन बनवाएंगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंत द्रव्य जालिका।
के निर्माण का प्रमुख स्थल है कौन सा? गोलजी गाय। गोलजी गाय का आकार कैसा होता है बेटा? ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि इसका जो साइज होता है वो 0.5 म्यूमीटर से लेकर के 1 म्यूमीटर हो सकता है। कितने से कितने तक? 0.5 म्यूमीटर से लेकर के 1 म्यूमीटर तक हो सकता है। अगर ये सवाल आता है कि गोल्जी एपरेटस का साइज क्या होता है, गोल्जी काय का नाप क्या होता है, तो आप बताओगे 0.1 से लेकर के 1 म्यूमीटर तक होता है। गोल्जी काय केंद्रक के समीप होती है, केंद्रक से बिल्कुल चिपकी हुई, मैंने बताई थी। कुछ कोशिकांग होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका से आप जैसे ही हटेंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे, तो कहलाएंगे हमारी गोल्जी काय। क्या पाई जाएंगी? गोल्जी काय। अभी मैं इसको आप स्ट्रक्चर में भी समझ लीजिए। देखो बेटा, जो चीज मैं आपको बोल के समझा रही थी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और आप अब जान लीजिए कि एक तो हो गया हमारा अन्नतोदर शिश, मतलब शिश वाला एक हिस्सा होता है जहां पर हमने वो लड्डू क्या किए थे, लिए थे, दूसरे कमरे में लिए थे। कहाँ के लिए? स्टोर करने के लिए, रखने के लिए हमने वो लड्डू लिए। कौन से वाले हिस्से से? शिश वाले से, जो कि कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स शेप का दिखाई दे रहा है। उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर? ट्रांस वाले हिस्से में, जो कि कॉनकेव जैसा दिख रहा है, ट्रांस वाले हिस्से में। अब ट्रांस क्या कहेगा? टाटा बाय बाय कहेगा, मतलब बाहर निकाल देगा। और ये जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका केंद्रक है बच्चों। केंद्रक में क्या हुआ? जितनी भी चीजें होती हैं सब केंद्रक के अंदर होती हैं। कोशिकाओं में जो बनता बिगड़ता है सब केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक के पास चिपकी हुई होती है बेटा आपकी अंतर्द्रव्यी जालिकाएं। ये रफ वाली है। रफ वाली क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो रफ है, इन्होंने क्या किया? प्रोटीन बनवा दिए, प्रोटीन बना करके डाल दिए। जैसे ये वाले जो हिस्से हैं हरे वाले, ये आपके प्रोटीन है, इससे जान लीजिए ये आपके प्रोटीन है। इन्होंने बना दिए, इन्होंने ट्रांसफर कर दिए प्रोटीन कहाँ पर? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में, जो इससे बिल्कुल चिपकी हुई होती है। मैंने अभी बताया था चिकनी वाली क्या बनाएगी? लिपिड्स बनवाएगी। इसने क्या किया? ये जो है ये लिपिड्स हैं, इसने लिपिड बनवा के तैयार करवा दिए। ये जितने भी स्टार जैसे दिख रहे हैं ये सब लिपिड हैं, लिपिड बन गए। तो क्या क्या बन गए बेटा? फॉस्फोप्रोटीन बन गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बन गए। अब इन्होंने दोनों ही चीजें लेकर के किस में डाल दी? हमारी गोल्जी काय में। गोल्जी काय इनसे बिल्कुल चिपकी हुई होती है और सिस वाले हिस्से में डाल दी जाती है। सिस वाले ने क्या किया? उसको पैकेट वैकेट बनाया, पैकेजिंग करी और ट्रांस की तरफ इनको बढ़ा दिया, ट्रांस की तरफ भेज दिया। ट्रांस ने क्या किया? उस गाड़ी तक पहुंचा दिया जहां से ये बाहर बांटी जाएंगी। ये जो गाड़ी है बेटा, ये अब दो चीजों को लेकर के जा रही है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन्स को और एक ग्लाइकोलिपिड्स को लेकर के जा रही है। तो ये दोनों ही चीजें याद रखना कि अगर रफ वाले हिस्से से पूछा जा रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रुद्री अंतर्द्रव्यी जालिका क्या बनाएगी, आपके फॉस्फोप्रोटीन बनाएगी, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाएगी। और अगर पूछा जाए चिकनी वाली क्या बनाएगी, चिकनी वाली आपके ग्लाइकोलिपिड्स को बनाएगी। इसीलिए लिपिड्स जो होते हैं वो बहुत ही चिपचिपे होते हैं। इसके आगे बेटा हम समझेंगे कि संश्लेषित जो पदार्थ होते हैं गोल्जी उपकरण में वो पैक किए जाते हैं। अभी बताया था चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो लिपिड हो, उनकी पैकेजिंग का काम हो गया गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी उपकरण सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं, कहां से कहां तक बेटा? मोनेरा वाले कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया तक सारे में क्या पाई जाएगी? गोल्जी उपकरण पाए जाएंगे, मतलब गोल्जी एपरेटस मिलते हैं। पदार्थ पौधों में गोल्जी उपकरण के रूप में कौन उपस्थित होता है बेटा? डिक्टियोसोम्स होते हैं। ये जो काम हमारी गोल्जी एपरेटस कर रही है, वो जो पैकेट बनाने की काम हमारी गोल्जी काय कर रही है, वही पादपों में या फिर पौधों के अंदर कौन करता है उस काम को? डिक्टियोसोम्स उस काम को करते हैं।
डिक्टियोसोम्स और कुछ नहीं है, गॉल्जी एपरेटस का ही दूसरा नाम है, जो कि क्या करते हैं, पेड़ पौधों में वही काम कर रहे होते हैं। यह पादपों की कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म। गॉल्जी का एक गॉल्जी उपकरण अनुपस्थित किस किस में होते हैं? अभी मैंने बताया था कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उन सभी में ये हमारे गॉल्जी का पाए जाते हैं, लेकिन अभी कहाँ नहीं पाए जाते। तो बच्चों इनको अच्छे से याद कर ले, डबल स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ये सूक्ष्म जीव में नहीं पाए जाते, क्योंकि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इसलिए ना तो ये सूक्ष्म जीव में पाए जाएंगे, ना ही ये नील हरित शैवाल में पाए जाएंगे, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी क्या होते हैं, एक तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें भी ये देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरी बात बेटा, लाल रक्त कणिका में भी ये नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि हमारी जो लाल रक्त कणिका होती है, हमारे जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, जब ये जैसे जैसे बड़ी हो जाती हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा जगह की जरूरत होती है, तो ये अपने अंदर से क्या करती है, केंद्रक को हटा देती है। केंद्रक धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो अब जब केंद्रक ही नहीं होगा तो कहाँ तो प्रोटीन बनेगी और कहाँ तो लिपिड्स बनेंगे। सारी ही मैंने बताया था जो भी प्रोसेसिंग होती है, सबसे मेन पार्ट क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। जब उसने केंद्रक ही हटा दिया तो किसी और चीज की तो जरूरत है ही नहीं। जब मेन केंद्रक ही चला गया कोशिका से, तो उसे कोशिकांग की भी क्या जरूरत है। तो ना तो हमारे नील रक्त कणिका में पाया जाएगा, हमारे ब्रायोफाइट में भी नहीं पाया जाता बेटा। जो हमारे पादप होते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो पादप होते हैं वो कुछ भागों में बटे हुए होते हैं। सबसे छोटे वाले एल्गी होते हैं, उनसे थोड़े से बड़े वाले ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, जो कि पानी से निकल के उनके किनारों पर रहना शुरू करते हैं। पहले टेरेस्ट्रियल अगर मैं पौधे बोलूं तो वो कौन से होते बेटा, ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो उनके अंदर भी ये जो हमारा गॉल्जी का है नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद बेटा जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स के बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में याद रखेंगे कौन से हिस्से में नहीं पाया जाता, स्पर्मेटोजोआ वाले पार्ट में नहीं पाया जाता, जो कि स्पर्म बनाने का जो कोशिकाएं काम करती हैं उसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के स्पर्मेटोजोआ वाले हिस्से में गॉल्जी एपरेटस नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, पौधे कितने, पांच तरीके के, सबसे पहली एल्गी हो गई, ब्रायोफाइट हो गए, टेरिडोफाइट हो गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो सबसे ही ज्यादा एडवांस वाले पादप होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा अच्छे बने हुए जो होते हैं पौधे होते हैं, उनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, जिनमें फूल पाए जाते हैं, जिनमें अच्छी अच्छी पत्तियां देखने को मिलती हैं, जिन जिन फूलों से बहुत अच्छी अच्छी सुगंध आती है, वो सब क्या होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो उनके सीव ट्यूब सेल्स में नहीं पाए जाते। कहाँ पर, सीव ट्यूब सेल्स में, सीव ट्यूब की जो कोशिकाएं होती हैं उस जगह पर ये गॉल्जी एपरेटस नहीं देखने को मिलते। तो ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना बेटा कि कहाँ तो पाए जा रहे हैं। पाया जाने वाला तो बहुत ही आसान है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गॉल्जी काय पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता, तो ये सब याद करेंगे कि या तो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों में नहीं पाया जाता, नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता, लाल रक्त कोशिकाओं में भी नहीं पाया जाता, और हमारे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के कुछ कुछ हिस्सों में नहीं पाया जाता। उसके बाद बच्चों समझेंगे, कोशिकाएं झिल्ली, ये जो हमारी कोशिका झिल्ली है, इससे पहले एक स्लाइड आपकी रह गई, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था, अंत द्रव्यी जालिका जो है दो भाग में बटी हुई होती है। तो बेटा ये सब मैंने लिख दिया है, इसको ऐसा का ऐसा उतार लेना, और जितनी भी जानकारी इसमें दी गई है वो सब आपके लिए काफी है, अच्छे से पढ़ना। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं, जो भी आपकी बुक्स में अगर एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ है भी हैं तो उनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप इतना ही पढ़ लो, आपके लिए बहुत है, सफिशियंट है। अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी, तो कीथ और पॉटर नाम के दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन, कीथ और पॉटर नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1969
1969 में इन्होंने क्या किया था, अपनी खोज की थी, और खोज के बाद इन्होंने क्या बताया कि अंतर्द्रव्य जालिका नाम की भी एक कोशिका पाया जाता है। उसके बाद में इन्होंने देखा कि ये दो तरीके की होती है, जैसा बेटा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक रुद्री होती है और दूसरी चिकनी होती है। जो रुद्री वाली होती है वो प्रोटीन बनवाती है, और जो चिकनी वाली होती है वो लिपिड्स को बनवाती है। वही सब चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है बेटा, इसको ऐसा का ऐसा याद कर लेना। अब एक और पॉइंट, बहुत ही खास पॉइंट है, कि मैंने कहा कि जो चिकनी वाली अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है वो हमारी लिपिड्स को बनवाती है, जो कि चिपचिपी होती है। उसके साथ साथ ये कुछ हॉर्मोन्स भी बनवाती हैं। हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो ना हो, ये क्या होती हैं, हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती हैं। हमारे शरीर में कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि हमारे हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है। उन हॉर्मोन्स को बनवाने वाली जो कोशिकांग होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है, वो सभी स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। मतलब हमारे सेक्सुअल हार्मोन जितने भी होते हैं उनको स्टेरॉइड हार्मोन कहा जाता है। ये स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ बनते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, उन दोनों को ही मैंने लिखा है। सबसे पहले तो ये कहाँ पे बनते हैं, तो बेटा दो जगह पे बनते हैं। पहला होता है हमारा सूत्रकणिका, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहे हैं, और दूसरा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी कौन सी, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में बन रहे हैं। तो याद रखेंगे दो जगह पे बन रहे हैं, बन कहाँ कहाँ रहे हैं, एक तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे हैं और दूसरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किन किन जगहों पर होते हैं, तो जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहां पाए जाते हैं। हमारे अंदर जो गोनाड्स होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारे गोनाड्स बनते हैं, चाहे वो स्पर्म्स हो, ओवरीज हो, ये सब आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप गोनाड्स याद कीजिए, गोनाड्स में पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं हमारे प्लेसेंटा, मतलब अपरा में पाए जाते हैं, फीमेल्स के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वहां पर पाए जाते हैं। इसके आगे बेटा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे और अच्छे तरीके से। अब हमारे कुछ ही कोशिकांग रह गए हैं, कोशिका झिल्ली रह गई है हमारी, वैक्यूल्स मैंने आपको बता दिया है, तो उनको किस तरीके से लिखना है बच्चों वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से लिखना है। तो इसके आगे के जो कोशिकांग है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में ये चैप्टर हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो आपके ये जो कोशिका है इसके चार लेक्चर बने हैं। पहले में कोशिका के बारे में बताया है कि कोशिका किसने खोज की, कोशिका कितने प्रकार की होती है। दूसरे में मैंने बताया कि केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी वो सब बच्चे मैंने आपको बताई। तीसरे में हमने कोशिकांग कुछ हद तक कुछ कोशिकांग के बारे में पढ़ा, क्योंकि बच्चों इसमें ना तो मैं कुछ कर सकती हूँ ना ही आप कुछ कर सकते हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि ये जो हमारा चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें हर एक चीज पढ़नी है, और मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स में आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, हाँ एक दो लेक्चर इसका ज्यादा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हम जितने भी लेक्चर्स बनाएंगे, जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बनाएंगे, मैं कोशिश करूंगी बच्चों कि वो एक या दो लेक्चर में पूरा चैप्टर को कवर कर लिया जाए। अगर मैं आपके चैप्टर के लेक्चर्स को कम कर देती हूँ तो बेटा कंटेंट कम हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएंगी चीजें, तो समझने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हर एक स्लाइड को मैंने जैसे बनाया है कोशिश कीजिए आप वैसा का वैसा लिखें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। टप टप के लिए बाय बाय।